बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर एवोल्यूशन के अंदर आज हम इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज बहुत इजी सा टॉपिक है, इसके बारे में तो आप वैसे भी जानते होंगे। कोई भी स्पीशीज से मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आहिस्ता आहिस्ता तादाद में कम होते हैं, ठीक है, तो उसे हम शुरू में कहते हैं थ्रेटेंड थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन है, ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन से फिर जब रिड्यूस होके वो थ्रेटेंड स्पीशीज में जाते हैं। थ्रेटेंड से क्या मतलब है कि लाइक स्पीशीज जो सी है वो अब कम हो रही है, ठीक है। थ्रेटेंड स्पीशीज से होकर वो इनडेंजर मतलब डेंजर जोन में है, कि मतलब इनकी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है, ठीक है, मतलब 100 से नीचे आ गई है, ठीक है। मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन मोर देन 1000 है, थ्रेटन स्पीशीज लेस देन 1000, फिर इनडेंजर स्पीशीज जो लेस देन 100 है, और इनडेंजर स्पीशीज से फिर आगे एक्सटिंक्ट आ जाते हैं। एक्सटिंक्ट means when the species is no more, ठीक है, कि not even a single piece of a species, यानी एक भी उस किस्म का जानवर जो है वो जिंदा ना रहे, उसे आप extinct species कह देते हो, सही। so endangered species से क्या बनाते हैं, मतलब normal population थी, normal population से बनाते के like they are in millions, ठीक है, millions के अंदर उनकी तादाद है, फिर threatened species like वो thousand hundreds में आ जाते हैं, फिर लेस देन 100 इंडेंजर्ड स्पीशीज में चले जाते हैं, और जब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म भी जिंदा नहीं रहेगा उस जानवर उन जानदारों की तरह, यानी उन जानदारों में से, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज काउंट होंगी, ठीक है, उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीशीज कह रहे हैं। सो रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर इंडेंजर्ड। सो इसकी काफी मतलब रीजंस बनती है। एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट लॉस। अब हैबिटेट क्या होता है, कि मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है वो खास किस्म के हैबिटेट, मतलब कह लें खास किस्म का एक माहौल है, उसके अंदर रह सकता है, ठीक है। जिस तरह एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिस तरह बर्फानी रीच है तो वो बर्फ के इलाके में रहेगा, ठीक है। इस तरह जो डॉल्फिन है, ठीक है, वो पानी में रहेगी, और पानी भी ऐसा होगा जो मतलब यानी कम ठंडा हो, सही, पानी में रह सकते। इस तरह मतलब जो आपको प्लांट्स है, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो मतलब वो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जिसे आप जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, लो आल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, मतलब सरवाइव कर सकते हैं। फिर जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं, ठीक है, और मतलब इसमें काफ़ी एग्जांपल है। सो हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रहता है, तो अगर उसके हैबिटेट लॉस हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ऑर्गेनिज्म्स ऐसा ऐसा फिर यानी मरना शुरू हो जाएंगे, जाहिर पता उन्हें खास किस्म का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। हैबिटेट लॉस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है डिफॉरेस्टेशन है, कि जो फॉरेस्ट होता है ना, एक्चुअली इट गिव्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी को राइज करता है, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट गिव्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, यानी एक फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो से वो रह सकते हैं, ठीक है, इवन ह्यूमंस भी जाके रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंसानों ने अपने घर बनाना शुरू किए, तो अपने घर बनाने के लिए वो दरख्त काटना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर दरख्त काटेंगे तो फिर डिफॉरेस्टेशन होगी, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स उस दरख्तों में या मतलब उन जंगलों में रहते थे, वो फिर वहाँ से मतलब वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, ठीक है। मतलब इंसान अपना मिट्टी का घर खड़ा करता है तो दरख्त काट देता है, फिर दरख्त से जितने परिंदे हैं, जितने जानवर हैं, ठीक है, और जितने कह लें कि ये इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, मतलब जितने भी चीज़ें हैं जो किसी भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, सही। तो फॉरेस्ट या डिफॉरेस्टेशन जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है
इंडेंजर स्पीशीज के अंदर, ठीक है, कि स्पीशीज या डाइवर्सिटी को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। डिफॉरेस्टेशन के बाद क्लाइमेट चेंजेस हैं कि लाइक आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, लाइक जिस तरह ग्लेशियर जो से पिघलना शुरू हो गए, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ रही है सही, और फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ऑर्गेनिज्म खास क्लाइमेट में रह सकते हैं, ठीक है, जिस तरह बर्फानी रीच है, ठीक है, उसके लिए बर्फ का होना जरूरी है, तो ऐसे जब वहां से बर्फ खत्म होगी तो फिर वहां पे उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। सो क्लाइमेट चेंजेस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। क्लाइमेट के बाद पोल्यूशन है, पोल्यूशन में फिर टाइप्स हैं, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, और लैंड पोल्यूशन है। सो तीनों किस्म के पोल्यूशन जो सी है वो अपने रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब माहौल डिस्टर्ब होगा तो फिर वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनको मसला बनेगा, मतलब वहाँ पे फिर वो उसी तरह रह नहीं पाएंगे, ठीक है, मतलब ग्रोथ उनकी रुक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर अगेन जो स्पीशीज है या जो डाइवर्सिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंजेस, डिफोरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस। इसके अलावा एक होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ न्यू स्पीशीज कि लाइक आप कोई नई स्पीशीज जो सी है उठा के किसी दूसरे इलाके से वो अपने इलाके में ला के लगा लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह जो पाम आयल के दरख्त थे जो कि जो ये है क्या कहते हैं अरब कंट्रीज, ठीक है, उनके अंदर होते हैं, तो वो ला के हमने अपने मुल्क में लगाए हैं, तो वो पाम आयल के जो दरख्त हैं वो फिर दूसरों की हैबिटेट को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, मतलब जहाँ पे सेब का, अनार का या फिर केले का दरख्त होना चाहिए वहां पे हमने पाम आयल का दरख्त ला के लगा दिया, तो ऐसे से जो बकैद जो कह लेंगे उस इलाके के जो पॉपुलेशन होगी उस पर डिस्टर्बेंस आएगी। सो जब नई स्पीशीज आती है तो वो भी डिस्टर्ब करती है क्या लेंगे उसकी इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो जाहिर बात है जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी और ऐसे सा जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे उस खास ट्रेड के, सही। तो मतलब बहुत से प्रोसेस हैं जिसके अंदर हमने पांच जो मेन थे वो पढ़ लिए हैं, तो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करेंगे तो जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा ही होगा कि बहुत कम किस्म की कह लेंगे हमारे पास वैरायटी होगी ऑर्गेनिजम्स की, सही। सो अगर हम इसको प्रोटेक्ट करने की सोचें अच्छा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान, स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें सबसे पहले मारखोर है, ठीक है, दिस मारखोर, मारखोर जो कि कह लें कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, ठीक है, मारखोर। मारखोर के बाद चीता, ठीक है, ये चीता जो सा था बर्फानी चीता से कहते हैं हम, ठीक है, और ये जो हमारे मरी वाले इलाके हैं यहाँ पे पाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे लोग वहां पे रहना शुरू हुए तो उन्होंने फिर इनका शिकार शुरू कर दिया और फिर चीता की जो तादाद है वो कम होना शुरू हो गई, ठीक है, मतलब पहले ये हजारों में थे फिर 100 में आ गए, अब 100 से भी कम तादाद में पाए जाते हैं, ठीक है, शायद एक दो चिड़ियाघरों में मौजूद है ये, अब आम नजर नहीं आते। इसके अलावा टर्टल है, ठीक है, ये भी एक इंडेंजर स्पीशीज काउंट होती है। इंडस डॉल्फिन, ठीक है, इंडस डॉल्फिन के ऊपर मतलब काफी कोशिश की जा रही है इसे सेव करने की, ठीक है, ये हमारे दरियाए सिंध में पाई जाती है और इसकी जो ऊपर आंखें होती हैं इसके ऊपर एक कवरिंग है, मतलब देख नहीं पाती, अंधी डॉल्फिन इसे कहा जाता है। फिर एक हुबारा बस्टर्ड, ये सहराई परिंदा है हमारे सिंध के इलाकों में ये आता है ऐसे, तो ये भी इंडेंजर स्पीशीज में काउंट होता है। सो हम किस तरह कर सकते हैं, हम मतलब किस तरह इंडेजर स्पीशीज को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके मतलब काफी स्टेप्स हैं, ठीक है। एक तो ये है कि सबसे पहले हमें ग्लोबली ग्लोबली से मतलब के पूरा वर्ल्ड वाइड दुनिया के लिहाज से
हमें ऐसे पार्क बनाने पड़ेंगे जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। जैसे आप वाइल्ड लाइफ पार्क कह सकते हैं, ठीक है, मतलब ग्लोबली वाइल्ड लाइफ पार्क होने चाहिए, ठीक है, हर सिटी में, हर कहने के सिटी लेवल पे होने चाहिए और हर कंट्रीज में इस चीज को प्रमोट किया जाए, सही। फिर उसके अलावा जो हैबिटेट है या जो लैंडस्केप है जहाँ पे कोई भी कहने के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, प्रोटेक्ट नेचुरल लैंडस्केप, ठीक है, जो जहाँ जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उनके लैंडस्केप को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि वो इन एरियाज में रह सकती है, और जाके जो मतलब दूसरे लैंडस्केप एरियाज हैं वहां पे जाके वो मतलब डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें। थर्ड के डिफॉरेस्टेशन को तो रोकना चाहिए, ठीक है, मतलब बैन, कंप्लीट बैन होना चाहिए ऑन डिफॉरेस्टेशन, कि कोई भी दरख्त की कटाई कर रहा है डिफॉरेस्टेशन, उसे उसमें जुर्माना हो, मतलब उसको टोटल बैन होना चाहिए। फोर्थ वन के जूज और बोटेनिकल गार्डन होने चाहिए, जूज एंड बोटेनिकल गार्डन जो से होते हैं शुड बी प्रमोटेड, ठीक है, इन्हें प्रमोट किया जाए और इनके ऊपर मतलब ये बनाए जाए और इसके अंदर ऑर्गेनिज्म ला के रखे जाए, ठीक है, और उनकी सर्वाइवल जो से यकीनी बनाया जाए, सही, ताकि मतलब प्रिजर्व कर सके, हमारे पास जो इंडेंजर स्पीशीज है हमने किसी न किसी स्टेज पे जाके प्रिजर्व कर सके। सो अभी तकरीबन 500 से ज्यादा स्पीशीज हैं जो इंडेंजर है, ठीक है, तो मतलब ये काफी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें इंडेंजर स्पीशीज को प्रिजर्व करना चाहिए। सो ये आज का लेक्चर हो गया हमारा इंडेंजर स्पीशीज के बारे में।